हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्जुन सिंह और मेरे साथ आप पढ़ेंगे साइंस। साइंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। ब्लड ग्रुप किसने दिया, कितने प्रकार के होते हैं और किसके आधार पर ब्लड ग्रुप को अलग अलग बांटा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। जल्दी से टॉपिक को ख़त्म भी करना है हमें। ठीक है, और इस तरह से ये टॉपिक पढ़ेंगे हम कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, और हाँ, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कोई कमी दिखाई दे इसमें तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। तो देखो, ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने। एक साइंटिस्ट कौन से हैं, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अच्छा, इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए और बी की खोज की, इसलिए लैंडस्टीनर की खोज की। इसलिए लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। इसलिए लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। रक्त समूह का पिता, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी किसे कहा जाता है, अभी लैंडस्टीनर को कहा जाता है। अच्छा देखो, ब्लड ग्रुप के प्रकार, अगर ब्लड ग्रुप के हम प्रकार देखें, ब्लड ग्रुप के अगर हम प्रकार देखें तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं भाई, चार प्रकार के होते हैं। अगर हम इनके प्रकार देखें तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। इनके कौन कौन से प्रकार हैं, ए बी और ओ। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन कौन से, ए बी और ओ होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो इसके चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ये किसके आधार पर ब्लड ग्रुप दिए जाते हैं। ये ब्लड ग्रुप हमारे दिए जाते हैं जो हमारी आरबीसी होती है। तुम देखते हो ना आरबीसी, आरबीसी की वजह से ब्लड लाल होता है। आरबीसी में आयरन धातु होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, इसलिए ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से। हमारे ब्लड का 99% क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं। आरबीसी में जिस भी प्रकार की एंटीजन प्रेजेंट होगी, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर जिस भी प्रकार की एंटीजन प्रेजेंट होगी, एंटीजन जिस भी प्रकार की उपस्थित होगी, उसी प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अच्छा, एंटीजन किससे बने होते हैं, तो एंटीजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये एंटीजन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं भाई, ये ग्लाइको प्रोटीन इसको कहते हैं। कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ग्लाइको प्रोटीन इसको कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, बताइए भाई, दिख रहा नहीं या ऊपर लिखूं इसको। ठीक है, हाँ देखो, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ए बी ओ। ठीक है, आरबीसी पर जो एंटीजन होगा उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने हैं, चार प्रकार के। और एंटीजन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं भाई, ये ग्लाइको प्रोटीन से एंटीजन मिलकर बने होते हैं। अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन किसके निर्माण को प्रेरित करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है भाई, तुमने सुना होगा ना, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दूसरे जीवों को मारने के काम में आती हैं, जैसे बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को। ऐसी हमारी बॉडी में भी क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती हैं, जिन्हें बनाने का काम कौन करता है भाई, एंटीजन एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है। और ये किस चीज़ के मिलकर बने होते हैं भाई, ये भी हमारे ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये भी किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। देखो, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भी, चार प्रकार के। अच्छा, लैंडस्टीनर ने कौन कौन से ब्लड को खोजा, ए बी ओ ने।
ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था? लैंडेस्टीनर ने। और इसके फादर कौन है? फादर भी किसे कह दिया जाता है? लैंडेस्टीनर को। लैंडेस्टीनर को ही ब्लड ग्रुप का फादर कह दिया जाता है। ठीक है, चार प्रकार के कौन कौन से हैं? ए बी ओ, ठीक है। और किसके आधार पर ब्लड ग्रुप होते हैं? आरबीसी में जिस भी प्रकार की एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी में जितनी जिस भी प्रकार की एंटीजन प्रेजेंट है उसी प्रकार के हमारे जो है ब्लड ग्रुप होंगे। अच्छा, एंटीजन किससे मिलकर बने होते हैं? ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और कौन सी प्रोटीन से? ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एंटीजन किसके निर्माण को प्रमोट करती हैं? किसको प्रमोट करती हैं? किसको प्रमोट करती हैं? निर्माण को, एंटीबॉडी के निर्माण को नियंत्रित करती हैं। कौन? एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है? ये दूसरे जीवों को मारने के काम में आता है। कोई बाह्य जीव हमारे शरीर में आ गया तो उसे मारने का काम कौन करेगा? एंटीबॉडी करेगा। ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी। अब हम सारे ब्लड ग्रुप को एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। सारे ब्लड ग्रुप को एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कौन किसको देता है और कौन किसका लेता है ब्लड ग्रुप, और कौन किसको क्यों नहीं दे सकता, और कौन किसको किसकी वजह से लेता है, ये सारी बातें समझेंगे। ठीक है, देखो ब्लड ग्रुप कितनी वजह से, कितने प्रकार के बताए मैंने आपको, बताओ। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? चार प्रकार के। भी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के बताए? चार प्रकार के। कौन कौन से? एक बताया ए बी और ओ। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए? चार प्रकार के, ए बी और ओ। देखो टेबल बना दी मैंने एक सुंदर सी, इस टेबल से हम सारे क्वेश्चन अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लड ग्रुप है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो एंटीजन 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 ऑन आरबीसी, जिस भी प्रकार का एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप उसी प्रकार का होगा। देखो अगर एंटीजन ए प्रकार का है तो ब्लड ग्रुप भी कौन से प्रकार का? ए प्रकार का। अगर ब्लड ग्रुप बी प्रकार का है तो एंटीजन भी बी प्रकार का। और ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हैं, अगर एंटीजन आरबीसी में दोनों हैं भाई, आरबीसी की सतह पर एंटीजन दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा? ए बी। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। ओ असल में ओ नहीं होता, ये जीरो होता है। वो तो हम इसको समझने की वजह से ओ को क्या पढ़ते हैं, सॉरी जीरो को क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। तो तुम्हें जीरो वीरो में कहीं ध्यान नहीं लगाना है, तुम्हें भैया ओ ही मानना है। अभी तक ओ मानते हुए आए हो और ओ ही इसको मानोगे। ठीक है, कोई भी एंटीजन अगर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। ठीक है, अच्छा और एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं, एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहाँ होती है? प्लाज्मा में होती है। तो ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी होगी। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, फिलहाल तुम समझो, फिलहाल तुम देखो भाई, ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। बी में कौन सा होगा? ए के लिए एंटीबॉडी। और इसमें किसके लिए एंटीबॉडी होगा? नील, किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और इसमें एंटीबॉडी किसके लिए होगा? सब के लिए, सब के लिए ओ को छोड़कर। या मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको भाई, ए के लिए और बी के लिए, ए के लिए और बी के लिए, ए के लिए बी के लिए है तो ए बी के लिए भी क्या होगा? एंटीबॉडी होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं दाता रक्त समूह, दाता या ग्राही रक्त समूह, दोनों तरह से इसको तुम समझ सकते हो। एक बात समझ में आता है, दाता या कौन सा समूह भाई? ग्राही समूह, दाता या ग्राही समूह, दाता या ग्राही समूह हम देखेंगे। तो देखो पहले तो तुम्हें याद रखनी है, एवी जो होता है, एवी जो रक्त समूह होता है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है। वो क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही होता है। और ये क्या होता है? सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता होता है। ये क्या होता है? सार्वत्रिक दाता मतलब ये किसी को भी रक्त दे सकता है, ओ वाला किसी को भी रक्त दे सकता है और ए बी वाला किसी का भी रक्त ले सकता है। ठीक है, अच्छा आगे समझेंगे। ये इस ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ए बी का भी लेगा और ओ का तो कोई भी ले लेगा। ओ तो सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है ओ। और
ए भी किसी का भी ले लेगा, ये किसी को भी दे देगा ओ वाला, और ये किसी का भी ले लेगा, कौन सा, ए बी वाला, ठीक है। अच्छा, ए वाला और किसका रक्त लेता है, ए वाला और किसका रक्त लेता है ये बताइए भाई। ए वाला ए का और रक्त लेता है, ए का लेगा और ओ का लेगा। बी का क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसके शरीर में, क्योंकि जैसे देखो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई क्या है भाई, कोई व्यक्ति है, सुंदर सा फोटो बना दिया, कोई व्यक्ति है। इसका रक्त समूह क्या है, ए है। इसका रक्त समूह क्या है भाई, ए है। हम इसके शरीर में ए वाला रक्त डालेंगे, एक्सेप्टेड। ओ वाला रक्त डालेंगे, एक्सेप्टेड। अगर हमने इसमें कौन सा रक्त डाल दिया भाई, बी वाला, तो इसके शरीर में बी के खिलाफ क्या है भाई, एंटीबॉडी। इसके शरीर में बी के खिलाफ क्या है, एंटीबॉडी। इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा भाई, खत्म कर दिया जाएगा, डालने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसलिए हम इसे बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाते। और बी वाला किसका रक्त नहीं लेगा, ए। बी वाला किसका रक्त नहीं लेगा, ए का, सॉरी, बी वाला किसका रक्त नहीं लेगा, अच्छा ये ए का ले लेगा और ये बी का नहीं लेगा, बी का नहीं लेगा, क्योंकि इसके शरीर में किसके खिलाफ एंटीबॉडी है, बी के खिलाफ। और बी वाला किसका रक्त नहीं लेगा, ए का। ए का रक्त क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसके शरीर में ए के खिलाफ एंटीबॉडी होंगी, और इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई मारने का हथियार ही नहीं है, नीलवटा सन्नाटा है ये, नीलवटा सन्नाटा है, तो ये किसी का भी रक्त ले लेगा। और इसके शरीर में सभी के लिए एंटीबॉडी है, तो ये किसी का भी रक्त नहीं लेगा, और हम कोई रक्त भी इसके शरीर में चढ़ाएंगे तो उसको मार दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब क्या हुआ, ये तो सबसे प्यार करता है, ये तो सबसे प्यार करेगा, ये किसी का भी रक्त ले लेगा, ये तो किसी का भी रक्त ले लेगा, और ये सबसे नफरत करता है, ये सबसे क्या करता है, नफरत करता है, ये किसी का भी रक्त नहीं लेता, ये कहता है बस मुझे अपने जैसे प्राणी से प्यार है, मुझे किसी दूसरे से प्यार नहीं है। तो ओ वाला किसी का भी रक्त नहीं लेगा, और ए बी वाला जो है हमारा किसी का भी रक्त ले लेगा, क्योंकि इसे सबसे प्यार है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई परेशानी हो, कुछ बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।